गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप फाइव, हम पांच हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप फाइव। और सबसे पहले टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 5 बजे की ये 5 बड़ी खबरें हैं। शाह की मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियां हैं तेज, पहली तस्वीर। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में एक बड़ी बैठक हुई है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा प्रभारी महेंद्र सिंह, सतीश उपाध्याय इसमें मौजूद रहे हैं। नीमच में सीएम मोहन यादव ने आज रोड शो किया है, सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इधर इंदौर में डिपो मैनेजर के घर पर डकैती हो गई है, परिवार को बंधक बनाकर गहने, नकदी और कार लेकर चले गए डकैत। इधर सूरजपुर में घर में घुसकर 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और चौथी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल के बयान पर हंगामा हुआ। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, विरोध के बाद बयान वापस लिया। विपक्ष ने बैगा परिवार हत्याकांड को लेकर सदन के अंदर और बाहर धरना दिया। और अब पांचवी बड़ी खबर, जहां रायपुर में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारियों ने नारेबाजी की, केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए की इस दौरान मांग की गई। और वक्त है टॉप फाइव में इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालने की। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके खबरों को विस्तार से देखने की। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को कल पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली। सांसद ने इसकी लिखित शिकायत डीजीपी से कर दी। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी है। सांसद ने लिखित शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी के मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आया, बेटे ने कॉल रिसीव किया तो उसे धमकाया गया कि तुम्हारे पिता को 2 दिन के अंदर उठा लिया जाएगा। आशंका जताई गई कि वो नंबर पाकिस्तान का है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने संबंधित नंबर की जाँच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पापा 9:54 में ये कॉल आया है, स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया, बोले हम तुम्हारे पापा को 2 दिन में उठाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने धमकी दिया। और जो भी वाकया है मैंने पुलिस विभाग को अवगत करा दिया है और वो अपना काम कर। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी चुनाव समिति की कल बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, प्रत्याशियों की पहली सूची पर मंथन होगा। सीएम साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा दिल्ली जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी दिल्ली जाएंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने हर राज्यों में सर्वे कराया है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेता मिशन 11 में जुट गए हैं। इस बार बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है और कांग्रेस ने इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है और उसी लक्ष्य के साथ रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। और इधर भोपाल में पीसी शर्मा का प्रशासन पर आरोप है, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। भदभदा बस्ती में कार्रवाई पर पीसी शर्मा ने कहा कि बच्चों की परीक्षा प्रभावित हो रही है। पीसी शर्मा ने मानव अधिकार आयोग में इस पूरे मामले की शिकायत भी की है। बस्ती वासियों के साथ मानव अधिकार आयोग में पीसी शर्मा जो है वो शिकायत करने पहुंचे। बस्ती में 2 दिन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। बगैर किसी नोटिस के बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कर दिए। 10वीं 12वीं की परीक्षा चल रही है, इस बीच बुलडोज कर दिया गया। वो स्थिति जिला प्रशासन ने और सरकार ने की है और अभी हम वहीं जा रहे हैं, इसी सब का विरोध करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं कि पहले इन लोगों का व्यवस्थापन करो और इनको आप मकान दीजिए या प्लॉट दीजिए, उसके बाद ये कार्रवाई कीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 मार्च को मध्य प्रदेश के धार के बदनावर में पहुंचेगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बदनावर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बैठक में इस यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने
बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है, राज्य सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर के डीम प्रोजेक्ट नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे। वहीं से ग्वालियर के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें नवनिर्मित राजमाता विजयराजे सिंधिया का एयर टर्मिनल का भी लोकार्पण प्रस्तावित है। इसके अलावा ग्वालियर जिले के अन्य 95 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इधर अनूपपुर में हाथी के हमले से एक युवक की मौत पर सीएम ने दुख जताया। पीड़ित के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे की घोषणा की। इसके अलावा वन विभाग 8 लाख और सीएम स्वेच्छानुदान से मिलाकर कुल जो 2 लाख होगा, ऐसे 10 लाख दिए जाएंगे। रात 8 बजे हाथी के कुचलने से युवक की मौत हो गई थी, जिस पर आज मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, दुख प्रकट किया। तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति की नेता और विधायक जी लस्या नंदिता की शुक्रवार को यानी कि आज मौत हो गई। उनकी मौत पाट नचेरू में एक सड़क दुर्घटना में हुई। लस्या सिकंदराबाद कैंट से विधायक थी। पुलिस ने बताया कि नंदिता जिस कार में यात्रा कर रही थी, वो शुक्रवार सुबह यानी कि आज सुबह 5:30 बजे आउटर रिंग रोड पर सड़क किनारे लगे डिवाइडर से अचानक टकरा गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। हादसे में कार चालक घायल हो गया है। नंदिता को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस शुक्रवार सुबह तटीय जिले के आलाप पुझा में आग की चपेट में आ गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना तब हुई जब कायम कोलम और अल्पाजो के बीच ये बस जा रही थी। उन्होंने बताया कि यात्री बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि ड्राइवर को जलने की गंध महसूस हुई और उसने सभी को जल्द से जल्द बस से नीचे उतरने के लिए कहा। स्पेन के वालेंसिया में आगजनी की खबर सामने आई। यहां एक बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार 14 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि जान बचाने के लिए लोगों ने बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 युवकों ने कार में आग लगा दी। 2 युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार में आग लगाई है और आग लगते ही कार में ब्लास्ट हो गया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रॉपर्टी डीलर वहां पर पहुंचा था और ये जो पूरी घटना है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रॉपर्टी डीलर ने आरोपी युवकों की पहचान कर ली है। प्रॉपर्टी डीलर के पार्टनर हैं ये सभी आरोपी और उनका आपसी विवाद बताया जा रहा है और अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रायपुर में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारियों ने नारेबाजी की। केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए देने की मांग इस दौरान की गई। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन किया गया। और अब सुनिए एक बड़ा ही अजब सा मामला। इस वक्त पूरे प्रदेश को इंतजार है मैतारी वंदन योजना के तहत पहली किस्त का, और पेंड्रा में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए एक अनोखा फॉर्म सुर्खियों में आ चुका है। एक पुरुष ने महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन दिया है। कमल सिंह इनका नाम है। ये कहते हैं कि घर में कोई महिला होती तो इस योजना का लाभ मिलता, ऐसे में अब इस योजना का लाभ उनको भी चाहिए। कमल सिंह के आवेदन को सॉफ्टवेयर ने रिजेक्ट किया, लिया नहीं। अधिकारियों ने इस आवेदन को सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि योजना नियम और शर्तों के तहत होती है। 21 साल से ऊपर की महिलाओं और युवतियों को इसमें पात्र माना गया। मिलावट पर खाद्य विभाग ने भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई की है। 2400 किलो मावा, 700 किलो पनीर जब्त किया गया। राजधानी में अमानक मावा और पनीर खपाया जा रहा था। नवबहार सब्जी मंडी लाया गया था मावा और पनीर। ग्वालियर से मावा और पनीर लेकर यहां पर एक ट्रक भोपाल पहुंचा था।
आज 5G के युग में भी कुछ शिक्षण संस्थान अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। बीमारियों को ठीक करने के लिए इलाज की जगह झाड़फूंक का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला शहडोल जिले के छोटकी टोला स्कूल का है, जहां सरकारी स्कूल में छात्र प्रार्थना शुरू करते ही एक एकड़ जमीन में गिरने लगे, जिसे देखकर शिक्षक घबरा गए और छात्रों को होश में लाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है। झाड़फूंक कराई गई और उसके बाद छात्र होश में आ गए। स्कूल के हेडमास्टर ये कह रहे हैं कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कोई जादू टोना नहीं है बल्कि कमजोरी है जिसका इलाज कराने की जरूरत है। रायपुर पुलिस द्वारा आयोजित गोयल TMT एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एयर राइफल और एयर पिस्टल का शॉट्स मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनों में हमें मेडल जरूर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है बल्कि ये आत्मसम्मान आत्मविश्वास भी पैदा करता है। शूटिंग खेल को अपनाने से कई शारीरिक लाभ भी होते हैं। बढ़ी हुई ताकत, सहन शक्ति, संतुलन, हाथ और आंख समन्वय और बढ़िया कौशल इसके लिए काफी फायदेमंद है और इसके कुछ लाभ हैं। रायपुर जिला पुलिस और गोयल TMT के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 130 प्रतिभागी एयर राइफल एयर पिस्टल कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। रायपुर पुलिस लाइन में नवनिर्मित शूटिंग रेंज में आयोजित ये शूटिंग प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी, जिसमें राज्य के IAS, IPS, IFS और DSP स्तर के अधिकारी समेत पुलिस के जवान भाग ले रहे हैं। इस मौके पर गोयल TMT के डायरेक्टर संदीप गोयल के साथ ही रायपुर रेंज के IG अमरेश मिश्रा, रायपुर SP संतोष सिंह भी मौजूद रहे। बहुत ही शानदार है और ये लक्ष्य आज रखा गया है कि आने वाले 2 सालों में प्रयास करके, अभ्यास करके विभाग के साथियों के द्वारा जो नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है उसमें मेडल हम जीत कर लाएंगे और उसके लिए अभ्यास शुरू हुआ है। रेंज का उद्घाटन भी हुआ और उसके बाद ये कंपटीशन भी रखा गया। आने वाले समय में पुलिस के अधिकारी, उनके परिवार और शहर के भी लोगों को ये शूटिंग रेंज में हम लोग ये सुविधा देंगे कि वो आके यहाँ शूटिंग सीखें। और अब बारी UP अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे। यहां उन्होंने 13,202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। खासतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि जिनके खुद के होश ठिकाने पर नहीं है वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग परिवार और वोट बैंक से आगे सोचते हैं। उन्होंने कहा कि यहां NDA गठबंधन का पैतरा नहीं चलेगा। मुरादाबाद में अखिलेश यादव की कार से सपा नेताओं को उतरते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा विधायक और जिला अध्यक्ष को बाहर निकाला गया। वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है। संभल सांसद को देखने पहुंचे थे सपा जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिविल लाइंस इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। खबर बलिया से, जहां जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितता को लेकर PWD गंभीर नजर आ रहा। मामला जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइनों के लिए सड़कों की खुदाई से संबंधित है। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को बेतरतीब ढंग से यहां पर खोदा गया, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, साथ ही सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। महोबा में आग से 5 दुकानें जल गई। मिठाई सहित सब्जी, जनरल स्टोर और पान की गुमटी आगजनी का शिकार हो गई। भीषण आग से सभी दुकानें जलकर खाक हो गई। सुबह तकरीबन 6 बजे की यह घटना बताई जा रही। नजदीक में पुलिस सहायता केंद्र होने के बाद भी 2 घंटे की देरी से यहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची। तकरीबन 35 लाख रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जालौन में युवक का हथियार लहराने का वीडियो सामने आया। हथियार लहराते युवा का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। एक हाथ में राइफल तो दूसरे में पिस्टल। 20 सड़क पर एक स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल और एक कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए
IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और यूपी अपडेट के बाद अब इंदौर से आपको बड़ी खबर बता दें, डिपो मैनेजर के घर डकैती के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है कि डकैत लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सीसीटीवी में भी आपने देखा था कि कैसे डिपो मैनेजर के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, और अब ये पूरी वारदात इंदौर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस की टीम डकैतों का पीछा कर रही है और डकैतों की आखिरी लोकेशन बदनावर मिली और उसके बाद लगातार लोकेशन बदली जा रही है। 5 डकैतों ने कल डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। सोने चांदी की जेवरात के साथ ही नकदी लेकर के डकैत भाग निकले थे, कार भी अपने साथ ले गए थे। बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और अब आज जब इन बदमाशों की तलाश कर रही है तो बार बार जो ये डकैत है अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। लास्ट लोकेशन धार के पास बदनावर में मिली है और अब उस लोकेशन के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस डकैतों की तलाश कर रही है। और इस वक्त कोरबा से आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। SECL के दीपका खदान हादसा मामले में सहमति के बाद चक्का जाम खत्म हो गया। आक्रोशित ग्रामीण मुआवजे को लेकर चक्का जाम कर रहे थे। पाली SDM ने SECL से मुआवजा दिलवाया है। मृतक के परिजनों को 80,000 रुपए दिए जाएंगे और घायलों का उपचार SECL करवाएगा। बता दें बीते दिनों खदान धस गई थी, बंद खदान थी। इसमें चौथे व्यक्ति की मौत के बाद हंगामा करते हुए परिजन सड़क पर आ बैठे थे और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे। अब SDM के सामने आने के साथ ही इसमें मुआवजा मिलना तय हो गया है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। फिलहाल हम इजाजत दें। नमस्कार।